थैंक यू भाई, कमाल है भाई, आप लोगों को पता चल ही गया है। सबसे पहले सोसाइटी के एक म्यूजिक सेक्रेटरी को पता चला, फिर मैंने सबको बताया। अरे वाह, तुझे क्या लगा तू हमको नहीं बताएगा तो हमको पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं, कमाल हो सच में, आप सब कमाल हो, मानना पड़ेगा। पोपटलाल, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है और तुमने हमें ही नहीं बताया। अरे हाथी भाई, मैं कल रात को केरला से घर बहुत लेट पहुंचा। लेकिन पोपट अंकल, आप केरला से आने वाले थे, हमें तो बताते। अरे मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मैं आप सबको सरप्राइज दूं, उसके पहले आप सबने मुझे सरप्राइज दे दिया। ओए पप्पू, तुमने हमसे ये सच छुपाकर बहुत गलत किया। मैं क्या करता सोडी भाई, हालात ही ऐसे थे। अरे भाई सोडी, ये सब बातें आप भूल जाओ, पोपटलाल वापस आ गया है ना, तो स्वागत समारोह का मजा लो, नाचो गाओ। ऑफिस नहीं जाना है? पारंग उंगे गोकुलधाम सोसाइटी कारंग यनक चेन आरती एड़तांग परिसु कोड़तांग। पोपटलाल जी, उंगा गोकुलधाम सोसाइटी कार ரொம்ப நல்லவர். தாரிஃப் கோகுல்தாம் ரொம்ப அன்புள்ளவர். அரே தும் சமஜ் கே போபட்லால். ஆஹா, மால இத்னே கம் டைம் மே வஹா ஜாகே இன்கே பாஷா பி சீக் கே ஆ கே பப்பு ஜி. ஆஹா, நஹி நஹி, क्या है ना, वो इनके शब्दों के भाव से ऐसा समझ में आ रहा है कि ये हम सबके लिए अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए मैंने हाँ किया। अच्छा, बिल्कुल, ये है प्यार की भाषा, भावनाओं की भाषा। रोशन भाभी, आपने एकदम सही कहा था, प्यार की भाषा। हाँ तो एक्सपीरियंस। और तो फिर ऐसी खुशी पे नाचते बजाओ। रुको, अरे काय बजाओ, अरे गोगी बेटा, ये जो बुके लाए पहले पोपटलाल को दो तो सही। क्या कर रहे हो तुम, दे दो। थैंक यू। पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। कंग्रेचुलेशंस पोपट भाई, आज आपने सच में हमारा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा काम किया है। आखिर हो गया। अरे अंजलि भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बराबर है पोपट बेटा, लेकिन हमें पहले से पता होता ना तो और अच्छा स्वागत समारोह रखते हैं। लेकिन डब्बू से ना अब्दुल, कम समय में भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। अरे बहुत अच्छा, जबरदस्त किया है बापू जी। थैंक यू। और तो इसी बात पर नाचते बजाओ टोले। ये कौन है? देखने में तो उसका भाई लग रहा है, पर इतना गुस्से में क्यों है? अरे हिंदी आता है? हिंदी है ना? हाँ, नहीं आता। अच्छा,
ये साले लोगों का ना कोई बहाना चाहिए नाटक करने के लिए। वो उसके बगैर स्वागत समारोह शुरू कर दिया ना, इसलिए सब नाटक कर रहे हैं। अरे एक मिनट भाई, ये आप सब लोग मुझसे इनको हार क्यों पहनवा रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? अरे अरे ये सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे पपीता जी आप आ गए, अरे कहाँ चले गए थे आप? हम लोग कब से राह देख रहे थे। भैया चिंपू अन्ना, शैम्पू अन्ना, चिंपू अन्ना, हेलो गोपाल, अरे नहीं चित्त चित्त पाल, नमस्कार चित्ते, अरे नमस्ते, सूचना चाहिए, अरे கோகுல்தாம் சொசைட்டி நான் யாரையும் விட மாட்டேன், இப்பவே போலீஸ் கிட்ட போவேன். பொறுமையா இருப்ப வேணும், பொறுமையா இருப்ப, புரிந்த கெட்டுப்ப வேண்டா. पुलिस पुलिस पकड़े, पुलिस का वो बहनु पुलिस के पास जाने का बोल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि पुलिस के पास जाने का जरूरत नहीं है। इन द गोकुलधाम सोसाइटी का ना ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்காங்க சரியா? வேணு வேணு எங்க கோகுல்தாம் காரங்க நல்லவங்க டேஞ்சர் இல்ல, சொசைட்டி டேஞ்சர் டேஞ்சர். वो वेनु बोल रहा कि हम गोकुलधाम वाले बहुत डेंजरस है, पर आईगन ने उसे समझा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हां 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 ऑफ कोर्स, हां हां बहुत अच्छे लोग हैं। இப்போவே એમ પુંડાટી કો પોપટલાલ કો કલ્યાણ મણી વેચરપાંગ। ये बार-बार मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? नंग माळ मातिरंग எனக்கு என்ன மதுபு இதுர் குடு ஜீ தேவி மால மாத்திர வரைக்கும் பேச்சு வந்துருது, நீ ஏன் அவங்களை நிறுத்தல? இதெல்லாம் எவ்வளவு சீர்காம ஆயிடுச்சு, மால போட்டாங்க, போப்பட்லால் கல்யாணம் பத்தி சொல்றாங்க, ஆசீர்வாத் கொடுத்தாங்க, உனவே பேச விடல, வாயில லட்டு வச்சுட்டாங்க। போப்பட்லால் ஹார் பனான கே ஜோஷ் மே तुमने श्रीदेवी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम क्या हार पहनाने जा रहे थे? तुमको तो मना करना चाहिए था ना हार पहनाने से। तुम भी मौके का फायदा उठाकर एक शादीशुदा लड़की को अपना पत्नी बनाना चाहता था क्या? शादीशुदा? ओह ओगबी, अरे ये अय्यर भाई क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या मौके का फायदा? पर मुझे कुछ नहीं पता, ये हार पहनाने का प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया था। मुझे खुद बोलने का मौका नहीं मिला, मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया था। अरे आप सब लोग क्या श्रीदेवी जी को मेरी पत्नी समझ रहे? नहीं, अरे क्या हाँ? पोपट भाई इसमें समझना क्या है, श्रीदेवी आप ही की वाइफ है। अरे नहीं, श्रीदेवी जी इनकी पत्नी है, ये वेणु जी की। क्या? What? क्या? अगर भाई हकाय गुंडे हैं तो तुम कौन हो? मेरा मतलब है तुम किसके पति हो? अरे भाई मैं किसी का पति नहीं हूँ, तलाशी अभी भी जारी है। चिंपू अन्ना, अरे एक मिनट भाई, अरे अय्यर भाई आपको चंपू क्यों बुला रहा है? जेठालाल वो मेरे को चंपू अन्ना नहीं बोल रहा है, वो मेरे को चिंपू अन्ना बोल रहा है। हाँ वो चिंपू पर क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? वो जेठा जी एक्चुअली वेनु अय्यर का कजिन है और फैमिली में अय्यर का पेट नेम चिंपू है, इसलिए। अच्छा इधर என்ன நடக்குது அண்ணா? ஸ்ரீதேவி என் பையன் வேணுகோபாலின் பொண்டாட்டி. வேணுகோபால் இவங்கள தோணது போப்பட்லால் என்னோட புருஷ. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க,
வேணு சித்தப்பா நீங்க கோவப்பட வேண்டாம் எங்க சொசைட்டி காரங்களுக்கு கொஞ்சம் கோவளப்பம் ஆயிருக்கு நான் பெதரா அவன் கிரேட்டர் सॉरी अय्यर भाई बबीता जी लगता है कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है तो वेणु जी वो क्या है ना दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है वेणु पोप्पटलाल सलार है எல்லாம் கோளப்பம் ஐரக்க இன்ன அவக்கம் கல்யாணம் ஆகல அதனால தான் கட்டாயப்படுத்தி ரவுடி தனமா ஏ பொண்டாட்டி உங்க பொண்டாட்டி ஆக்கலாம் பாத்தீங்களா क्या बोल रहे सब तमिल मतलब अरे मतलब कि मेरा वाइफ को तुम्हारा वाइफ बना दिया क्या बोल रहा है हाँ यार भाई इसमें बबीता जी कहाँ से आए बीच में ओ जयदलाल मैंने वो वेणु तमिल में क्या बोला उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है हाँ देखिए एक्चुअली दो दिन पहले वेणु और श्रीदेवी की शादी हुई है तमिलनाडु में अय्यर के गांव में हाँ अच्छा और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि आप लोग क्यों श्रीदेवी और पोपट भाई को पति पत्नी की तरह हार पहनवा रहे थे सॉरी बबीता पर हमें लगा कि श्रीदेवी पोपट भाई की पत्नी है लेकिन आप सब लोगों को इतना बड़ा कन्फ्यूजन कैसे हो गया बोला ना ये भिड़े की वजह से एक मिनट सॉरी देखो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कंफ्यूजन हुआ कैसे काइजल अय्यर भाई श्रीदेवी जी है ना वो पोपट बहू जी की बालकनी में खड़ी थी ऐसे नए नए दुल्हन के गेटअप में तो हमें लगा कि वही है और तो और मैंने एक फोटोग्राफर को देखा आपकी विंग से बाहर निकलते हुए तो मैंने पूछा भी कि किसके घर पे गए थे तो उसने बोला पोपटलाल के घर पे गया था न्यू कपल का फोटो शूट था तो मैं क्या कोई भी समझेगा ना कि पोपटलाल की शादी हुई है हाँ सही बात है अरे भाई ये वेणु और श्रीदेवी की अभी अभी नई शादी हुई है इसलिए मैंने फोटोग्राफर को बुलाया था भाई भीड़ है तुझे एक बार मुझे फोन करके पूछ लेना चाहिए था ना कि मैंने शादी की है कि नहीं अरे हमें लगा कि तुम हमें ना बता के सरप्राइज देना चाहते हो तो इसीलिए फिर सबने सोचा कि सब मिलके हम लोग नई दुल्हन को सरप्राइज देते हैं सॉरी लेकिन मुझसे अक्षम्य गलती हुई है बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई सॉरी वेरी सॉरी वैन அப்படியா இவ்ளோ பெரிய குழப்பமா நான் சரியாதான் கேள்விப்பட்டேன் கோகுல்தாம் சொசைட்டில எப்பவுமே குழப்பமும் கலாட்டாவும் தான் இருக்கும் கோகுல்தாம் ஓ மை காஷ் இத்தனி படி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் देखिए ना बबीता जी ये भिड़े की वजह से कैसे क्या हो गया और भिड़े तू तो मुझे बहुत सुना रहा था कि जेठालाल तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं पहले ध्यान से सुनता सोचता और फिर बोलता ये अच्छा तूने अपनी सोच और समझदारी का नमूना दिखाया तुम्हारी वजह से बेचारे पोपटलाल की दूसरी शादी हो जाती अरे भाई वो जेठालाल क्या बोल रहे हो तो मेरी तो अभी पहली भी नहीं हुई है इनकी दूसरी शादी हो जाती हाँ सॉरी श्रीदेवी जी की दूसरी शादी हो जाती ओ पिड़ू इस सारे कंफ्यूजन की पसूड़ी तू ही है अरे देखो भाई गलती सिर्फ भीड़े की नहीं है गलती हम सब की हाँ चाचा जी आप सही कह रहे हैं हम तो घोर अनर्थ करने जा रहे थे किसी और की पत्नी को पोपट भाई की पत्नी समझकर पोपट बहू जी की वाइफ समझकर हम लोग श्रीदेवी जी को शुभकामनाएं दे रहे थे आशीर्वाद दे रहे थे हे भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमें माफ कर देना और आप सब लोग भी हमें प्लीज माफ कर दीजिए हाँ सॉरी यार सॉरी दिल से सॉरी 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 हाँ प्लीज श्रीदेवी जी वेणुगोपाल जी मम्मी जी पापा जी मतलब अंकल आंटी जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए हम लोगों ने गलती की है और बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे लेकिन ये सब कुछ जानबूझ के किसी ने नहीं किया जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है जी जी बिल्कुल देखिए मैं आत्मानंद तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेयर सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से
इतनी बड़ी गलतफहमी होने के लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। हाँ, खरस खरस मना पासू सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हमें माफ कर दीजिए, रियली वेरी सॉरी 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 सॉरी। हम सब माफी चाहते हैं। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, श्रीदेवी जी सॉरी। वेणु चित्तप्पा यंग गोकुलधाम कारंग अवंग पन्ना तबरक रूम वर्द पड़रांग मन्निप केकरांग दैव सद अवलंग मन्निचिडंग। सॉरी सॉरी वेणु जी, मेरी तरफ से भी सॉरी है। परवाइल्ले सर, परवाइल्ले परवाइल्ले परवाइल्ले। दैव संजी निंगे सॉरी सोल्ला दिंगा தவறுகள்லாம் எல்லார்டேந்து ஆகறதான், அதுக்காக நீங்கெல்லாம் மன்னிப்பெல்லாம் கேட்காதீங்க. என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் மறந்துருங்க. இந்த வருஷம் 2021 புது வருஷத்தின் புது நாளில் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க. अरे वाह, वो बोल रहे कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, उन्होंने सबको माफ कर दिया और नए साल में सब लोग बस हैप्पी रहिए। अरे वाह, थैंक यू सॉरी सॉरी थैंक यू नंद्री नंद्री थैंक यू। हम हैप्पी तो रहना चाहते हैं पर क्या करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन पोपटलाल भाई, एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि हम लोगों को तो गलतफहमी हो गई कि श्रीदेवी जी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैंड बाजा लेके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारा मुंह मीठा करा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तुम्हें कुछ लगा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है? दोस्तों दुनिया में कोई सबसे बड़ी गलतफहमी पाल सकता है तो हम गोकुलधाम वाले, दुनिया में कोई सबसे बड़ा मूर्ख बन सकता है तो हम गोकुलधाम निवासी। भाई हमारी बात ही अलग है, हम लाजवाब लोग हैं, हम हंसने हंसाने में, प्यार में, भाईचारे में, खुशियां बांटने में, टेंशन लेने में, देने में, मूर्ख बनने में, स्मार्ट बनने में, जीरो से हीरो तक हमारा कोई जवाब ही नहीं। अब देखिए ना, हमने वेणुगोपाल की पत्नी श्रीदेवी को पोपटलाल की पत्नी समझ लिया और हम पोपटलाल की शादी के इतने उत्साह और उमंग में थे कि हम तो एक दूसरे को माला पहनवा देते। भगवान ने बचा लिया, ये अनर्थ होने से रह गया। और एक अनर्थ और है दोस्तों कि भाई पोपटलाल की पत्नी श्रीदेवी नहीं है, ये तो पता चल गया, तो फिर पोपटलाल इतनी खुशी में नाच क्यों रहा है? तुम्हें एक बात बताऊं, अब ये खुशी तो उसके जीवन में आने वाली है, वो खुशी पत्नी के रूप में है या किसी और रूप में, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये जानने के लिए भी देखिए और हंसने के लिए भी देखिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।